वास्तविक व्यक्तियों या घटनाओं से इसका कोई समानता पूरी तरह से एक सहयोग है, किसी जीवित या मृत व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है, हमें किसी की भी भावनाओं को दुख पहुंचाने का पहुंचाना नहीं है। स्क्रिप्ट राइटर डॉक्टर प्रबोध हाले सर एंड डायरेक्टेड बाय मिस दिव्या पवानी मैम। कोडेक्स का पावर, सुनो सुनो कोडेक्स की कहानी हमारे जुबानी, चंगू एंड मंगू इन द सीन। ये कोडेक्स से क्यों पूछना है? अरे तुझे इतना भी नहीं पता नियमों का स्वाद लेने के लिए। ये कोडेक्स होता क्या है? कोडेक्स एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेकिंग बॉडी है जिसका हेड ऑफिस रोम में है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1963 बाय WHO एंड FN फॉर मेकिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स फॉर द फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंज्यूमर सेफ्टी एंड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कमोडिटीज। ओह, इट्स इन रोम। हम कौन से इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, हमें क्या लेना देना कोडेक्स से? ऐसा नहीं है। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। सुनाओ। एक समय की बात थी जब कोडेक्स हेल्थ मिनिस्ट्री में था NCCP, तब इंडस्ट्री की मांग थी राइस ब्रैन ऑयल को कोडेक्स में लेके आया जाए क्योंकि PFA के पास कोडेक्स का स्टैंडर्ड था। बट बेचारे हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास कोडेक्स स्टैंडर्ड ही नहीं था। कितना झंझट का काम है। झंझट का काम तो था मगर इंडिया पीछे नहीं हटा। इंडिया ने राइस ब्रैन ऑयल को अपना एजेंडा बनाया और उसे ऐड करने का फैसला तय किया। हम कोडेक्स कमेटी गए जिसे हम CCFO कहते हैं। वो हर दो साल में एक बार मलेशिया में होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है। पहली मीटिंग सन 2003 में पहला अटेम्प्ट। चलो हम अपने स्टैंडर्ड कॉपी देके आते हैं कोडेक्स कमिटी। आपका डेटा अधूरा है, आपका डिस्कशन पेपर कहाँ है? ये डिस्कशन पेपर क्या होता है? आप पूरा प्रोसीजर एक बार वापस पढ़ के आइए और फिर से सबमिट कीजिए। फॉर दिस टाइम द पेपर इज बीइंग रिव्यूड। चलो हम वापस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन की मदद से डेटा कलेक्ट करते हैं और डिस्कशन पेपर। ठीक, चलो। दूसरा अटेम्प्ट सन 2005। अब तो हमने डिस्कशन पेपर बना लिया है, अब हम इसे वापस सबमिट करके आते हैं। India, you are approved. India was prepared
चलो फाइनली इतनी कोशिशों के बाद पफू पास हो गया, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। कोडेक्स में 8 स्टेजेस होते हैं और इंडिया को स्टेज 3 पहुंचने में 8 साल लगे। अटेम्प्ट 5, फाइनली रिफाइंड राइस ब्रैन ऑयल का स्टैंडर्ड पास हुआ, ह्यूज सक्सेस। Has been shifted to FSSAI. Now it was handled by scientists at FSSAI in 2014 Codex Committee. This time, Kartikeyan sir was delegation head, and Dr. Prabodh sir and Dr. Yadav sir were part of delegation team. This time, we were very confident. We proposed new work proposal of crude rice bran oil, and within one meeting, we handled all queries and agenda got approved. India has played an important role and particularly for the spices industry. Now every country respects India. India. US, EU, Australia एक समय पे टाइम नहीं देता था और अब हमें रिक्वेस्ट करते हैं। इंडिया has changed. चंगू लेकिन ये बदलाव आसान नहीं था, समझ सकती हूँ। हमें इंडस्ट्री का सपोर्ट, एकेडेमिया और रिसर्च इंस्टीट्यूट की जरूरत है। ये बहुत ही बड़ा जंग होने वाला है, लेकिन हम लोग अप्रूवल के बिना कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते यार, पर ये तो बहुत मेहनत का काम है। We need your support for making India strong. Now we have honorable Dr. Shri Kamala Vardhan Rao sir, who is strong supporter of Codex. We also have very able scientist Dr. Alka Rao ma'am, who is the head of Codex India. So let's participate in Codex activities and help India grow. Jai!